आप सभी का स्वागत है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिजली विभाग में ओटीएस स्कीम 8 नवंबर से लागू है। 8 नवंबर से 30 नवंबर तक का प्रथम चरण था, फिर उसके बाद में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का द्वितीय चरण था, अब 16 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक तृतीय और अंतिम चरण इसका चल रहा है। इसमें अभी तक काफ़ी अलग अलग कैटेगरी में छूट थी ब्याज में, जैसे LMV 1 घरेलू और ट्यूबवेल के कनेक्शन पर 100% ब्याज की छूट थी, अभी तक चल रही थी 15 दिसंबर तक। अभी भी जो है वो 80% छूट है ब्याज की 16 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक। सरकार ने इस बार बहुत अच्छी अच्छी इसमें योजनाओं में चीज़ें शामिल की हैं, जैसे प्रथम और अंतिम बार जो थेफ्ट के केस हैं, जहां पर चोरी पकड़ी गई है विजिलेंस के द्वारा या विभागीय अधिकारियों के द्वारा, उन पर जो असेसमेंट हुआ है उसमें भी अभी भी 50% की छूट है। प्रथम चरण में 65% की छूट थी, द्वितीय चरण में 60% की छूट थी, लेकिन अभी भी 50% छूट है, और 50% भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ये आखिरी मौका है, मेरा सभी से अपील है कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और इसमें क्योंकि 30-31 दिसंबर के बाद में ये छूट समाप्त हो जाएगी, तो फिर ये पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा। जो हमारे बकायेदार हैं उनसे मेरी पुनः अपील है आप लोगों के माध्यम से कि वो इसका फ़ायदा उठाएं और इसमें अपना जुर्माना अपना बकाया जमा कर दें, ताकि बकायेदार की श्रेणी से उनका नाम हट सके। क्योंकि इस फायदे का अगर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो उन्हें फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वरना उनका कनेक्शन भी कट जाएगा। सर अब तक कितनी धनराशि जो है मिल ओटीएस चुकी के है माध्यम अभी? से है सर, अभी ओटीएस का लेकर हमारे यहाँ पे मऊ जनपद में 3 डिवीजन हैं, उसमें टोटल अब तक लगभग 3,03,123 जो बकायेदार थे जो इसमें फायदा उठा सकते थे, और उन पर कुल बकाया जो हमारा था वो 1385 करोड़ रुपया था। इसमें से जो अब तक हमारे यहाँ पर इस योजना में लाभ उठाया है वो 40,851 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है ओटीएस में, और 40,851 लोगों ने सर जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है क्या कितना उनको आगे लाभ मिल उसमें पाएगा? 65 करोड़ रुपया अब तक जमा हो चुका है। 65 और टोटल जी सर तीनों जी डिवीजन जी 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 अभी और कितने बकाए हैं सर? अभी तो सिर्फ देखा जाए तो 13.5% लोगों ने जमा किया है, अभी 13.5% लोगों ने जमा किया है, जी बाकी अभी बहुत लोग बकायेदार हैं, वो भी इसका फायदा उठाएं, नहीं तो फिर बाद में ज्यादा पैसे के साथ उनको बकाया देना पड़ेगा, नहीं अन्यथा बिजली कट जाएगी। क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि सर ज्यादातर लोग ओटीएस को समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं, है क्या जागरूक करने की जरूरत है? हम इसका पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम गांव में कैंप लगा रहे हैं, हम मोटरसाइकिल के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से गांव गांव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोगों की सहायता से भी प्रचार प्रसार हो रहा है, और तमाम ग्राम प्रधानों को भी हमने सूची दिलवाई है कि ये आपके गांव के बकायेदार हैं, उनका पैसा जमा कराएं। बहुत से ग्राम प्रधानों का हमें सहयोग भी मिल रहा है, जो चोरी के प्रकरण हैं उसमें हम लोग अपने यहाँ से फ़ोन भी करा रहे हैं, और बाकी बकायेदारों को भी बिजली घरों से लगातार फ़ोन भी करा रहे हैं। जो विजिलेंस की टीम है हमारी वो भी जा करके लोगों को फ़ोन करके और घर घर नोक करके भी उनको सूचित कर रही है कि आप लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं, पैसा जमा कराएं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिल गलत ज़्यादा असेसमेंट बन गया, उसी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए अभी भी 50% की छूट दी है, क्योंकि इससे पहले कभी भी चोरी के प्रकरणों में जहाँ पे चोरी का असेसमेंट बनता था उसमें कोई छूट नहीं दी जाती थी। तो इस चीज़ को शिकायत को दूर करने हेतु कि जो लोग कहते हैं कि हमारा ज़्यादा असेसमेंट बन गया है, पहले 65% छूट थी, अभी भी 50% छूट है, तो 31 दिसंबर से आगे ये छूट नहीं बढ़नी है चूंकि, तो इस अंतिम अवसर का पूरा फायदा सब लोग उठाएं, इसके लिए मैं सबसे आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ, और इसमें जितना जल्दी वो काम करेंगे उतना जल्दी उनको ये छूट मिल जाएगी। यदि किसी की आरसी गई हुई है तो आरसी भी वापस हो जाएगी, उसमें भी उनको जो ब्याज जुड़ा हुआ होगा उसमें छूट मिल जाएगी। और इस केस में घरेलू, वाणिज्यिक, इंडस्ट्रियल और थेफ्ट के केस में और PTW सभी में छूट है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रतिशत का छूट है। जैसे घरेलू में अभी भी 80% की छूट है, ट्यूबवेल में भी अभी भी 80% की छूट है पूर्ण भुगतान पर। जो कॉमर्शियल कनेक्शन है उसमें 3 किलोवाट से कम पर 60% की छूट है, 3 किलोवाट से अधिक पर 40% की छूट है। जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है उसमें भी अभी 30% की छूट है ब्याज में।
अधिकतर 80% की छूट है, अधिकतर घरेलू, और क्योंकि हमारे अधिकतर जो कनेक्शन है वो घरेलू या निजी नलकूप के हैं, तो उन सब में अभी भी 80% की छूट है ब्याज में। अभी 15 दिसंबर तक सब में 100% की छूट थी, एकमुश्त समाधान करने, एकमुश्त जमा करने पर।